हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कहाँ जाना एंड स्पेशली इन दिस सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग जयपुर, जिसमें कि मैंने सिर्फ एक ही दिन में जयपुर को जितना हो सके एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है और वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और सिर्फ मैंने अकेले नहीं, ये हो पाया मेरी फ्रेंड रोशनी की वजह से। तो सीरीज में बने रहिएगा, जिसमें कि मैं कैसे इंदौर से जयपुर पहुँचा, मेरा जयपुर में फर्स्ट मेट्रो एक्सपीरियंस कैसा रहा, देन रोशनी और मैंने वहाँ के फोर्ट्स को कैसे एक्सप्लोर करा। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करें। हम जिस जगह के लिए आए थे, जो पहाड़ियाँ इतनी देर से हम देख रहे थे, उसकी हमने चढ़ाई अब शुरू कर दी। और इससे पहले हम दोस्तों एक किला ऐसा पहले भी चढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमारा आप इंडिया टूर पे जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल। वापस दे भाई। कुछ दिखा? जयगढ़ फोर्ट। हमने सुना है जो सुरंग है वो यही निकलती है। हाँ। और जो तोप है वो भी यही है। हाँ, तोप शायद वो जो हट दिख रहा है ऊपर। हाँ। वहाँ सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। तकरीबन हम कितना देर हो गया हमको आधे में वहाँ से यहाँ तक, समय अपन को समय हो चुका है पूरा 45-50 मिनट। पूरा 50 मिनट में हम जहाँ से निकले थे वहाँ से यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। आगे की जानकारी कुछ ही देर में आपके समक्ष पापड़ खाते खाते। एक कार पार्किंग और दो टिकट। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एक गाइड भी रख लो आप लोग किले के लिए, गाइड। चश्मा लेके दोस्तों लाइफ का बहुत बड़ा अच्छा वाला डिसीजन ले लिया मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि धूप बहुत तगड़ी है। तो अगर इस टाइम पे आ रहे हो जो कि 3-4 बज रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हो सके तो इसी छतरी साथ में आप जुगाड़ के लाना है यहाँ पर। और किराया में सबसे मस्ट बात, खुले लेकर आना यहाँ पर। और गाइड तो देखो 100 रुपये मांग रहा था और 50 तक में आ जाएगा, अगर लगे तो ले लेना गाइड। अब यार हम गाइड ले लेते तो सारी लाइमलाइट वीडियो वही ले जाता, तो फिर हम क्या करते हैं ना, इसलिए हमने गाइड नहीं लिया। बाकी की जानकारी तो यहाँ पर भी लिख दी होगी और इंटरनेट पर देख ही लेगा कोई। राजस्थानी कैमल 200 निवास में हम एंटर करेंगे तो सीधा भूलभुलैया में जाएंगे, जहाँ पर अंदर हमको कठपुतली डांस भी देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो समय रहा तो हम सब दिखाएंगे और नहीं रहा तो आपको मोटा मोटा दिखाएंगे। तो बुरा मत मानना, अगर बुरा लग जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है। तगड़ा काम करके रखा है, हमारे हेरिटेज को अभी जिंदा करके रखा है। तो हम एंटर कर रहे हैं भूलभुलैया। ओके, अंधेरा होगा? अंधेरा तो नहीं, ठीक है, ज्यादा अंधेरा। देखो देखते हैं भूलभुलैया का हिस्सा है तो हम कहीं से भी कहीं भी निकल सकते हैं। तो वो बाकी सब उधर से आते हैं, हम गलत जगह तो नहीं निकलेंगे? नहीं, यहाँ जहाँ भी जाओ एक जगह निकलेगी। हम बोले तो है ही नहीं। ओ कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये भोजनशाला है, डाइनिंग हॉल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर राजा और जो भी से होते थे, पहरेदार वगैरह खाते थे, और महिलाएं जो रहती थी वो उनका भोजनशाला आप देख सकते हैं पीछे साइड, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी भोजनशाला महिलाओं की। यहाँ सारे मेल जो हैं वो भोजन लिया करते थे। देखो दोस्तों, हम है ना 50 रुपये गाइड करके भी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, है ना, पर हम चाहते हैं कि हमारा इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा समर्थन करना हमारे को, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा प्लीज कमेंट करके बताते रहना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में उसको इम्प्रोवाइज करें। सामने लिखा हुआ भी है रॉयल लेडीज डाइनिंग हॉल, महिलाएं जो यहाँ पे भोजन किया करती थी। खाने की आवाज सुनाई दे रही है, ये सीधा हम ले चलते हैं आपको कठपुतली डांस की, और जो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ। वाओ, ये देखो ये होती है बुलबुले, हमको पता ही नहीं चल रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है। कट्टे हम बहुत चुके हैं थिएटर जहाँ यहाँ पर ऊपर महिलाएं बैठा करती थी। क्या हम भी अभी जा सकते हैं ऊपर? नहीं, भैया का कठपुतली डांस बड़ा फेमस है। हाँ। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर कठपुतली डांस जरूर देखना। आइए आपको दिखाते हैं आज। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो शुरू करें। ये मेरे को ये
नहीं समझ आते इतने सारे रास्तों को नेविगेट याद कैसे रखते होंगे यार ये। और ये यहाँ कोई शहर है क्या? फिर अपन वो रिवर्स में जा रहे हैं तो उधर है वो उधर है। हम वही तो बोल रहा हूँ, बताओ दोस्तों कौन कंफ्यूज है बताओ। सर हम कंफ्यूज है, चल रहा है यहाँ पर। देखो ये देखो ये रास्ता है कि क्या है, ये पुराने जमाने में ये कैसे नेविगेट करते थे यार गिनती के लोग। किसी को पता है तो मेरे को बताना यार प्लीज यार, बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी है। वो देखो दोस्तों नीचे, और ये देखो दोस्तों ऊपर, क्या ज्यादा पसंद आया। यहाँ तो हम गए नहीं है। अच्छा तो वो आमेर फोर्ट है दोस्तों, वो इस फोर्ट का पार्ट नहीं है। No. तो ये कौन सा फोर्ट है? ये फोर्ट कौन सा है? ये जयगढ़ है। तो यहाँ से हम यही रोड हमने क्रॉस किया था क्या? रोड क्रॉस नहीं किया था हमने। हाँ। इसके पहले ही हम पहाड़ पे चढ़ चुके थे। ओके। उतर के जब हम लेफ्ट लेंगे तो हम इस स्पॉट पे आएंगे। ओके तो अभी ये स्पॉट अलग है, ये पूरा बचा हुआ है दोस्तों, ये पूरा स्पॉट अलग, ये नेक्स्ट हमारा पूरा एक्सप्लोरेशन अभी बचा हुआ है। मैं एक उस तरफ मुंह करके बैठता होगा, एक इस तरफ मुंह करके बैठता होगा क्या? ये क्या लाया मालूम हूँ आपको, अगर पता चल गया तो कमेंट करो। अनदर टट्टी खाना विद द ग्रेट नजारा। इस पानी की बॉटल के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ पता है? ये देखो साथ में मेरे दिख रही है, पहचानते हो इसको कौन नहीं है? मधुमक्खियाँ। अभी अगर मजा आ गया ना तो निशाने लेके भी जाऊंगा मैं यहाँ से। वो देखो लंगूर, और ये है वो पैदल वाला रास्ता जिस पे समय और मेरा छोटा भाई हम लोग आए थे, जब पहले आए थे पैदल आए थे भाई साहब। ये है शायद से वो 8 तो नहीं होगा, 1-2 किलोमीटर तो हो गई होगा नीचे रास्ता। ये कोई आया हुआ तो बताना मेरे को कमेंट करके। फिर हम लोग उस तरफ ऊँचे ऊँचे की तरफ गए थे, हर्ष को याद होगा अंदर रखी रहती है लड़ाई के समय। देखो यार तुम पढ़ लो यार, मैं अभी नहीं पढ़ रहा यार, मेरे को इतना वो नहीं है, मेरे को बड़ी वाली तोप देखना, बड़ी वाली इस तोप पे मत ध्यान लगाओ, दूसरे तोप पे ध्यान देना अभी। चलो यार यहाँ से, यहाँ पर सेट होती थी और यहाँ से गोली मार रहा था कुछ। ये है कारखाना तोप बनाने का, इसमें क्या होगा ऐश धातु होती, सोना चांदी लोहा सब पिघला कर अंडरग्राउंड आते थे, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ तोप तैयार किए जाते थे। ये सांचे का काम करता था। फिर इसको घुमाया जाता था। हाँ जी। फिर इससे छेद निकाला जाता था। ओ। जो जयवाड़ तोप है हाँ जी। उसका निर्माण यही है। इसकी ऐसी ऐसी सुरंगें बनी हुई है, किसी को ध्यान नहीं है, सबसे खतरनाक किला है। इसके एक सुरंग जाती है जो टंका से इंदिरा गांधी ने 60 लाख सोना निकाला था, उसका रास्ता यहाँ से अंडरग्राउंड, पानी के नीचे तहखाना था, यहाँ से अंदर से रास्ता था। ये तो था डिफेंस के लिए, जयगढ़ जयगढ़ डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए। हाँ। ये है अंबर पैलेस। हाँ। वाला। हाँ। ये रहने का था उनका। ये रोमांस के लिए डिफेंस, रोमांस नाहरगढ़ था, रोमांस एक पिकनिक स्पॉट, वो पिकनिक स्पॉट है नाहरगढ़। तो इनको घूमने का सही तरीका क्या है, पहले दूसरा तीसरा क्रम अनुसार अगर कोई घूमना चाहे तो कैसे घूमना चाहिए? अगर आपके पास साधन है बाइक या फोर व्हीलर है, पहले नारगढ़ घूम लो, जयगढ़ घूम लो, फिर नारगढ़, फिर नीचे जाना चाहिए। चलो आपका शुभ नाम? रणवीर सिंह। अरे रणवीर सिंह तो इतनी एनर्जी के साथ ये ऐसे आगे, तो आप कुछ नहीं मामला मेन तो नहीं, मेरे को जो मेन खजाना चाहिए था आपने मुझे दे दिया रणवीर जी क्या। चलिए धन्यवाद। जयगढ़ फोर्ट की एक तोप बची हुई है हमारी बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली जिसके बारे में हम अभी तक सुनते हुए आ रहे थे, द लीजेंडरी। अब वो देखेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे नाहरगढ़ के, और जहाँ की हमको इतना ही एक्सप्लोर करने में दोस्तों समय जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हो गया है ये देखो 4:18। जयवान तोप के लिए भी एक अलग सा रास्ता बना हुआ है दोस्तों, सारा किला एक तरफ और जयवान तोप एक तरफ। तो आपको सिर्फ जयवान तोप दिखाने सिर्फ मैं जाऊंगा, अभी ये गाड़ी के समक्ष रक्षा करेंगे। हम आते हैं फटाफट सर। भाई साहब मजाक मैंने बोलते थे, लेकिन ये तोप तो सही में भारी है, तोप तक जाने का रास्ता भी भारी है। यहीं पे डूस गया हूँ मैं तो, और अभी तो चढ़ाई बची हुई है। टिकट निकाल सर, अपना टिकट। ये जो टिकट है ना गाड़ी में रखने की गलती मत करना, यहाँ पर भी चेक होता है वो। बहुत अच्छा हो मेरे जेब में रखा हुआ था,
अब आए हम जयवान तोप की तरफ का सामना। मतलब एक इंसान के यहाँ पर खोपड़ी डाल दो और इतना बड़ा छेद है, और फिर और उसके बाद भी थोड़ा बहुत आजू बाजू फंसाना पड़ेगा। ओहो हो, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकूँ, ये एक 1232 के मकान आ जाए इसमें आराम से, इतनी बड़ी तोप है। पीपल हु लिव इन इठोत्तर दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 1232 जैसे 1232 प्लाट का साइज होता है ये, तो ठीक है। कैसी लगी ये तोप और इस तोप का परफॉर्मेंस, क्योंकि अब हम आपको नेक्स्ट वाले फोर्ट की तरफ ले जाने वाले हैं। अच्छा मैं टिकट निकाला, पता तेरे को तोप के बाद हम निकले हैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। फोर्ट की ओर इसको घुसने से पहले अपन घुस जाओ। ये भी आपके लिए एक सूचना है, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर आकर, अगर आप पीछे रहे तो पीछे रह जाओगे। तो मेरे भाई और बहनों उनकी निकल गए हैं अपने अगले सफर पर। अगर यहाँ तक हमारे साथ सफर में बने हुए हैं तो शायद हो सकता है कि दूसरा पार्ट हो जाए वीडियो का ये। तो आप अगर जा रहे हैं तो उससे पहले कमेंट नहीं करा है तो वो करके जाना, लाइक नहीं करा है अच्छा लगेगा, लगेगा ही वो यार। अगर ये यस बिल्कुल, जहाँ की मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार है, आधा ज्ञान तो वही मेरे को देती है, लिटरली बता रहा हूँ। यस तो अभी के लिए इस वीडियो को यही करता हूँ मैं समाप्त, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सेम कपड़ों में मिलेंगे यार।